माईशा गंदा शीशे छोड़ो छोड़ो नाली में जंप गिर जाओगी। छोड़ो ये गंदा शीशे, इधर आओ गंदा शीशे, इधर आओ जंप्स। छोड़ दो माईशा, तुम्हें नहीं पता क्या खुदा गया हाथ से। बाय माईशा। एवरीवन, मैं हूँ साइरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइरा ब्लॉग। तो माईशा हमें बहुत खुश हो रही है क्योंकि उसको आइसक्रीम खाना है। माईशा हमेशा रेडी होती है कि बाहर जाना है, घूमना है, बाहर जाना है। तो मैं जा रही हूँ देवलाली कैंप, दो दिन बाद मैं छुट्टी जा रही हूँ। सामने ईद है तो ईद के लिए मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है अपने लिए और घर के बच्चे के लिए, तो इसलिए मैं देवलाली कैंप जा रही हूँ। मेरे कॉटेज से कैंप जाने के जो रास्ता है बहुत खूबसूरत रास्ता है। मैं जब भी जाती हूँ इस रास्ते में मैं हमेशा बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे नासिक का जो घर है, घर का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये एकदम बंगलो टाइप के लिए करता है, बहुत सुंदर है। मार्केट पहुंच चुकी हूँ और पहुंचने से मुझे गोल्ड लेनी है, तो मैं गोल्ड के शॉप आई हूँ। और यहाँ पे देखिए माईशा नीचे बैठ के क्या कर रही है। माईशा आपके हाथ में क्या है, हाथ में क्या है माईशा? चांदी का भी सुंदर सुंदर डिजाइन है। ये बैंड है, इधर से देख नहीं सकते क्या? इधर से नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए देखो देखो, कलर में भी है। फिर आए थे हम दूसरे शॉप पे। मेरे भाई की शादी है एक हफ्ते बाद ईद के, तो मेरे होने वाली भाभी के लिए मुझे कुछ लेना था। सर में दिखाइए। हाँ हाँ ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत सारी साड़ी दिखाई लेकिन मुझे ऐसे मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रही थी। फिर मुझे लास्ट में मिल चुकी थी और मैंने वो ले ली। आई आई कहाँ चली गई? ये देख गई थी सरकारी। मैं मेरे लिए मैं लहंगा देख रही थी। ये नेट का लहंगा है जो पसंद आती है, लेकिन इसका दुपट्टा जो है वो नेट का है और ये दुपट्टा हेड कवर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं दोबारा दूसरे शॉप पे आई हूँ, मैं वहाँ का लहंगा मुझे लेना नहीं था तो मैं आई हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ से मुझे मेरी लहंगा मिल गई तो मैं लहंगा ले लिया। अभी अभी माईशा के पापा के लिए ड्रेस, तो इनके लिए फॉर्मल ड्रेस चाहिए। तो ये देख रहा है कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर हम दूसरे शॉप में जा रहे हैं अभी। तो अभी आई हूँ शंघाई रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। इफ्तारी हम मार्केट में करी थी कुछ हल्का फुल्का, और रात भी हो चुकी है। अभी जाके डिनर बनाऊँगी तो लेट हो जाएगी, इसलिए सोची थी कि खा के चलते हैं। और माईशा को भी नूडल्स खाना है, नूडल्स के लिए वो
बोल रही मुझे नूडल्स खाने मामा हमें। तो अभी नेक्स्ट डे शाम है, तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। कल सुबह मुझे निकलना है का, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और थोड़ी बहुत करना बाकी है। घर पूरा सा बिखरा हुआ है क्योंकि अभी इफ्तारी के बाद फिर नमाज भी पढ़ना है, तो मैं जितना हो सके मुझे थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ और बाकी जो है वो तरावी के बाद कर लेंगे। मायशा यहाँ पर सो रही है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसको जुखाम लग चुकी है और जुखाम में कल और आइसक्रीम खा के उसकी तबीयत और ख़राब हो चुकी। ये मेरी बात नहीं मान रही थी और मार्केट में ये खाई तो ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए।